हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू के क्लास इलेवन सब्जेक्ट अकाउंट चैप्टर वन सो टर्निंग टू नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी असेट्स लाइबिलिटीज एंड वर्थ सो स्टूडेंट्स जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो दो मेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट रहते हैं एक तो आप वो पैसा कहाँ से लाएंगे आप पैसा कहाँ से लाएंगे आप कैसे असेट क्रिएट करेंगे जो पैसा आप लाओगे एक तो खुद पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो या आप किसी से लोन ले सकते हो तो दो मेन पॉइंट आ जाते हैं असेट्स एंड लाइबिलिटीज तो हम इस वीडियो में देखेंगे असेट्स लाइबिलिटीज एंड नेटवर्थ सी असेट्स फर्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं असेट नाउ वॉट इज असेट सी असेट हम सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए तो असेट यानी क्या संपत्ति प्रॉपर्टी है वेल्थ है पोजेशन है सो असेट्स आर द आइटम्स योर कंपनी ओन्स राइट असेट्स आर द आइटम्स योर कंपनी ओन्स दैट कैन प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट या फिर असेट्स मीन रिसोर्स कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल फॉर्म दैट हेल्प जनरेट फ्यूचर कैश फ्लो असेट्स यानी ऐसे आइटम्स जो कंपनी ओन करता है कंपनी खुद उसका मालिक है और जिससे फ्यूचर में क्या होने वाले बेनिफिट मिलने वाले हैं तो आप, आपको बुक में क्या दिया है वो हम देखते हैं असिट यानी क्या एनी इज विंग एनी फिजिकल थिंग और राइट एनी फिजिकल थिंग और राइट ओन्ड दैट हैज अ अनेटरी वैल्यू कोई भी फिजिकल थिंग और राइट ओन्ड दैट हैज अ मोनिटरी वैल्यू जिसकी कुछ भी मोनिटरी वैल्यू हमने पहले ही देखा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ मोनिटरी ट्रांजेक्शन ही लिखने हैं

उसकी ऑफिस बिल्डिंग है तो ये क्या हो गई बिजनेस की प्रॉपर्टी हो गई बिजनेस के लिए असेट हो गई सो so, असेट के कुछ यहां पे एग्जाम्पल है जैसे कि लैंड है गुडविल है पेटेंट है कंप्यूटर्स है एटसेट्रा नाउ असेट असेट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट फिक्स असेट करंट असेट फिकस असेट से ब्रॉडर सेन

करंट एसेट यानी क्या सेकंड वाला बी वाला देखो यहां पे मैं मार्क करती हूं एसेट यानी क्या असेट्स विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द ऑपरेटिंग ईयर एंड कैन बी कन्वर्टेड इन टू कैश वेरी इजिली आर कॉल्ड एज करंट एसेट जैसे जो असेट जो एक साल के अंदर विद इन वन ईयर यू कैन कन्वर्ट इजिली इन टू कैश विद इन ऑपरेटिंग ईयर विद इन अकाउंटिंग ईयर जो एक साल का रहेगा तो उसमें एक साल के अंदर जो असेट आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में उसे क्या बोला जाएगा करंट असेट सो डिपेंडिंग ऑन द कन्वर्टेबिलिटी इन टू कैश असेट कैन बी क्लासिफाइड एज करंट असेट एंड नॉन करंट असेट करंट असेट यानी ऐसी असेट जो इजिली एक साल के अंदर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो तो इसके एग्जाम्पल क्या है एक तो क्या है डेटर्स डेटर्स यानी ऐसे क्रेडिटर्स सॉरी ऐसे कस्टमर्स जिसको आपने क्रेडिट पे उधार है तो उसके पास से आप पैसा वसूल तो करोगे ना एक साल के आगे तक आप रुकोगे क्या नहीं तो डेटर से क्या है करंट असेट है बिल्स रिसीवेबल। हम आगे जाके देखेंगे बिल्स रिसीवेबल यानी क्या कैश इन हैंड कैश एट बैंक स्टॉक जो भी फिनिश गुड का स्टॉक पड़ा है या वर्किंग प्रोग्रेस है तो वो भी तो सेल होके उसके बदले में क्या मिलेगा कैश मिलेगा तो ये सब जो असेट है जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं एक साल के अंदर उसे क्या बोला जाता है करंट असेट और उसके अपोजिट नॉन करंट असेट या जिसे बोलेंगे फिक्स असेट तो ऐसी असेट जो इजीली कैश में नहीं कन्वर्ट कर सकते विद इन वन ईयर उसे क्या बोलेंगे नॉन करंट असेट या क्या बोलेंगे हम फिक्स असेट फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी गुडविल पेटेंट, ट्रेडमार्क तो ये सब क्या हो गए नॉन करेंट असिट नाउ दिस असेट कैन बी टेंजिबल और इनटेंजिबल डिपेंडिंग ऑन फिजिकल एग्जिस्टेंस असेट कैन बी क्लासिफाइड एज ए टेंजिबल और इनटेंजिबल टेंजिबल मीन्स जिसे हम टच कर सकते हैं जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है प्लांट एंड मशीनरी है इनटेंजिबल जिसे हम टच नहीं कर सकते जैसे गुडविल जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है पर मॉनिटरी वैल्यू है बिजनेस की रेप्यूटेशन विच इज टर्म इन मॉनेटरी वैल्यू गुडविल है पेटेंट है ट्रेडमार्क है कॉपी है तो ये क्या हो सकते हैं फिक्स असेट लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी ये टेंजिबल असेट है गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क ये इनटेंजिबल असेट है एंड दिस फिक्स असेट विच द फिक्स असेट्स आर ऑल्सो विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस दे आर नोन एज फिक्स असेट जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है प्लांट एंड मशीनरी है उसका बेनिफिट क्या शॉर्ट टर्म के लिए है क्या नहीं सो दिस हैव लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ओके स्टूडेंट? तो यहां पे हमने देखा फिक्स असेट एंड एंड इज वन मोर टाइप कौन सा टाइप है वो फिक्टिशियस असेट। सिर्फ फिक्टिशियस का वर्ड ही क्या है मीनिंग uh, क्या होता है फेक फेक असिट फिक्टिशियस असिट see these are the assets which has no tangible existence but they are represented as a actual cash expenditure see these assets are not represented by tangible possession or property they are imaginary asset but do not have any realizable value they are imaginary asset but do not have any realizable value so if you remember we in expenditure deferred revenue expenditure a like heavy expenditure on advertising वहां पे मैंने आपको बोला था सपोज सिक्स लाख का एडवर्टाइजिंग का है इस साल खर्चा किया है तो एक ही साल एक ही बैलेंस शीट में एक ही साल के फाइनेंशियल अकाउंट में अगर पूरा का पूरा सिक्स लाख दिखा दिया तो क्या हो जाएगा उस साल का एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हम क्या करते हैं कितने सालों तक वो बेनिफिट मिलने वाला है तो ये साल सपोज तीन साल तक बेनिफिट मिलने वाला है तो ये साल हम दो लाख दिखा रहे आगे के साल टू लाख उसके आगे के साल टू लाख तो जो रिटर्न ऑफ अमाउंट रहता है हर साल वो कहा दिखाई जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड अनरिटर्न अमाउंट जो रहता है वो असेट साइड दिखाई जाती है तो वही क्या है ओके दे आर रिटर्न ऑफ इन वन मोर मोर देन वन प्रॉफिटेबल एंड फाइनेंशियल ईयर फॉर एग्जाम्पल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर फोर इयर्स तो चार साल तक चार लाख का सपोज है एडवर्टाइजिंग का खर्चा तो एक ही साल के बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहे हम रिटर्न ऑफ करते हैं तो जो अनरिटर्न ऑफ अमाउंट रहते हैं जैसे चार लाख में से ये साल हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉ एक्सपेंसेस दिखाएंगे वन लाख तो बचे हुए जो थ्री लाख है वो कहां पे दिखाएंगे असेट दिखाएंगे साइड ओके अनरिटर्न ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर तो वो क्या है फिक्टिशियस असेट सो स्टूडेंट यहाँ पे हमने देखा असेट यानी क्या यानी फिजिकल थिंग और राइट ओन्ड

Which are held in the business for the operating year and can be converted into cash very easily. Fixed asset easily convert ho sakte, current asset easily convert. Hotte. For example, debtors, bills receivable, stock, fictitious asset imaginary asset which do not have any realizable value. For example, deferred revenue expenses like advertisement. Okay. और उसमें रहता है जैसे एग्जाम्पल है इनको एक्सपेंसेस इनकर्ड इन स्टार्टिंग बिजनेस बिजनेस स्टार्ट करने में हैवी एक्सपेंडिचर है तो वो भी रिटर्न ऑफ किया जाता है एक साल एक साल से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर में फाइनेंशियल ईयर में तो वो भी क्या होता है फिक्टिशियस शेयर से तो हमने देखा असेट यानी क्या अभी हम देखेंगे सेकेंड पार्ट लाइबिलिटी से कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते तो दो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो असेट है और दूसरा क्या है लाइबिलिटी है जैसे सपोज अभी बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि पैसा लगेगा ये सब जो आसेट भी क्रिएट करनी है लैंड लेनी है प्लांट मशीनरी लेनी है स्टॉक है तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा तो एक तो पैसा कहाँ से आ सकता है एक तो जो ओनर है इन्वेस्टर है यानी एक तो इक्विटी रह सकता है यानी ओनर या इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं या एक तो क्या रह सकता है डेट ले सकता है यानी लोन बैंक से लोन ले सकते हैं तो लाइबिलिटी लाइबिलिटी यानी क्या अमाउंट पेबल बाय अ बिजनेस टू अदर। अमाउंट बाय अ बिजनेस टू अदर्स इज नोन एज लाइबिलिटी इट इज अ डेट और अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बिजनेस टू अदर्स फॉर द बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय द बिजनेस यूनिट इट इज अ डेट ये क्या है एक तरह का कर्जा है अमाउंट ड्यू फ्रॉम द बिजनेस बिजनेस को देना है किसी को क्यों देना है क्योंकि हमें उस सामने वाले के पास से कुछ तो भी उसके बदले में बेनिफिट मिला है तो वो जो पैसा देना है जिसे तो वो क्या हो गया है लाइबिलिटी हो गया कुछ तो भी सर के ऊपर कर्जा है बिजनेस के तो एग्जाम्पल क्या है जैसे कि लोन लिया है स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या क्रेडिटर्स है हमारे सप्लायर है जिनके पास से हमने क्रेडिट पे परचेस किया है तो उनको इन फ्यूचर हमें पेमेंट वापस करना है पैसा देना है तो वो भी क्या हो गई लाइबिलिटी बैंक में से ओवरड्राफ्ट लिया है करंट अकाउंट होल्डर को जो बेनिफिट जो फैसिलिटी रहती है जितना बैलेंस है अकाउंट में उससे ज्यादा पैसा वो विद्रॉ कर सकते हैं तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी क्या हो गई लाइबिलिटी हो गई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई भी एक्सपेंसेस है जो आउटस्टैंडिंग है इस अकाउंटिंग ईयर में जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है इस साल का है पर अभी तक दिया नहीं है तो वो आउटस्टैंडिंग है अनपेड है तो वो आज नहीं तो कल तो हमें देना है तो वो क्या हो गई लाइबिलिटी हो गई यानी लाइबिलिटी क्या अमाउंट पेबल अदर्स अमाउंट पेबल पेबल बिजनेस टू अदर्स इज नोन एज लाइबिलिटी अभी जैसे हमने असेट में टाइप्स देखे वैसे लाइबिलिटी में भी टाइप्स है फिक्स लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी फिक्स लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी पहले हम देखते हैं करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी यानी क्या जैसे हमने करंट असेट देखा था विच कैन बी कन्वर्टेड विद इन इन टू कैश उसे बोलते हैं करंट असेट वैसे करंट लाइबिलिटी यानी क्या दे आर अट टर्म लाइबिलिटी पेबल विद इन अयर पेबल विद इन अयर एक साल के अंदर वो पेड करना है तो उसे क्या बोलेंगे करंट लाइबिलिटी

ले सकते हो अपने उधारी पे कुछ परचेस किया तो वो करंट लाइबिलिटी हो गई फिक्स लाइबिलिटी यानी क्या फिक्स लाइबिलिटी इट इज अ वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फंड इन द बिजनेस लाइबिलिटी यानी कर्जा है तो जो मेजर सोर्स है अगर बिजनेस स्टार्ट करना है एक तो जो ओनर है वो खुद पैसा इन्वेस्ट करेगा तो वो भी बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है हमने कैपिटल एंड ड्रॉइंग कंसेप्ट में देखा था तो वो भी बिजनेस के लिए क्या है लाइबिलिटी है फिक्स लाइबिलिटी में क्या है एक एग्जाम्पल कैपिटल लॉन्ग टर्म लोन लिया है बैंक से या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो वो क्या हो गया फिक्स लाइबिलिटी सो फिक्स लाइबिलिटी इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फंड इन द बिजनेस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये एक तरह का मेजर सोर्स ऑफ फंड है इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल सिक्योर्ड लोन लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सो दिस इज ऑल अबाउट लाइबिलिटी लाइबिलिटी क्या वॉट यू ओ टू अदर पार्टी मनी इन यूर पॉकेट एंड लाइबिलिटी टेक मनी आउट वी कैन से लाइबिलिटी मीन ऑब्लिगेशन ऑफ एन इंडिविज्य हम देखते हैं नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी और कैपिटल स्टूडेंट so ये नेटवर्थ कंसेप्ट में आपको वापस जब मैं बोर्ड को बोर्ड के ऊपर आपको इक्वेशन दिखाऊंगी ये जब मैं इक्वेशन सॉल्व करूंगी ओनर्स इक्विटी इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी तो आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगी जब हम बोर्ड पे सम देखेंगे असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल तो यहाँ पे हम देखते नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी और कैपिटल सर स्टूडेंट सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो पैसा चाहिए पैसा दो जगह से आ सकता है एक तो ओनर या इन्वेस्टर अपना पैसा लगाते हैं शेयर होल्डर लगाते हैं और दूसरा तो बैंक के पास से लोन लेते हैं ओके? Okay? तो जो ओनर खुद लगा रहा है इक्विटी शेयर होल्डर खुद लगा रहा है, इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे नेटवर्थ या उसका दूसरा नाम है ओनर्स इक्विटी या और नाम है कैपिटल यानी जो पैसा जो लाइबिलिटी रहेगी बिजनेस की एक तो यानी जो कर्जा रहेगा एक तो जो ओनर है वो खुद पैसा लगा रहा है वो रहेगा या फिर बैंक से लोन लिया वो रहेगा यानी क्रेडिटर के पास से जो पैसा ले रहे है वो भी लाइबिलिटी है और ओनर जो खुद इन्वेस्ट कर रहा है कैपिटल जो है नेटवर्क जो है वो भी क्या है बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है सी द अमाउंट और फंड प्रोवाइडेड बाय द प्रोपराइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल जो प्रोपराइटर ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है उसे क्या बोलेंगे कैपिटल एज वेल एज द एक्सेस ऑफ ओवर लाइबिलिटीज इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल और नेटवर्थ एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटीज सी यहाँ पे आप थर्ड वाला एग्जाम्पल यहाँ पे देखो यानी आपको ये क्लियर होगा एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटी कोई सपोज बिजनेस है उसके असेट टोटल है फाइव लैख ओके असेट टोटल कितने है फाइव लैख है उनकी लैंड एंड बिल्डिंग है उतनी फैक्ट्री की बिल्डिंग है फर्नीचर है प्लांट एंड मशीनरी है वो सब मिला के हो रहा है फाइव लैख और उनकी लाइबिलिटी यानी ये जो असेट कहा असेट के लिए फाइव लैख रुपीज कहाँ से आए तो एक तो उन्होंने बैंक से लोन लिया है टू लैख का तो यानी ये आउटसाइडर लाइबिलिटी अगर माइनस करते हैं फाइव लैख माइनस टू लैख तो जो बचा हुआ थ्री लैख ,00 है वो क्या है ओनर्स इक्विटी या हम बोलेंगे कैपिटल यानी फाइव लैख जो असेट है उसमें से बाहर से पैसा आया है टू लैख ,00 का और ओनर ने इन्वेस्ट किया है थ्री लैख ,00 इसलिए ये इक्वेशन क्या है कैपिटल इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी इसलिए यहाँ पे सेंटेंस क्या बोला गया है एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटी इज नो नोन एज कैपिटल एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटीज असेट्स कितनी ज्यादा है लाइबिलिटी के ऊपर उसे क्या बोलेंगे ओनर्स इक्विटी या हम बोल सकते नेटवर्थ या हम बोल सकते हैं कैपिटल से नेटवर्थ ऑल्सो इंक्लूड कैपिटल एंड रिजर्व जो भी रिजर्व है वो भी नेटवर्थ में इंक्लूड होता है कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिए हुए वो देख लो फर्स्ट एग्जाम्पल इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज फोर लैख एंड क्रेडिटर्स टू लैख यानी कैपिटल ओनर का खुद का पैसा है फोर लैख और लाइबिलिटी है टू लैख तो ये दोनों को मिला के कितनी की असेट आ गई है सिक्स लैख की सेकेंड एग्जाम्पल देखो अगर टोटल असेट टोटल असेट कितनी है वन लैख फिफ्टी थाउजेंड और उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी है फिफ्टी थाउजेंड आउटसाइड लाइबिलिटी फिफ्टी थाउजेंड है तो बचा हुआ वन लाख ये क्या होगा कैपिटल यानी जितना टोटल असेट रहता है टोटल जो असेट रहता है उसमें से ये जो टोटल असेट है वो किसमें से आ सकता है आधा आउटसाइड लाइबिलिटी रहेगा और आधा बचा हुआ क्या रहेगा कैपिटल सी पार्ट तो हमने देख लिया है ऑलरेडी ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स डोंट वरी अगर यहां पे ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रही है मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी बोर्ड पे मैं हम कुछ सम सॉल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन क्लियर हो जाएगा लास्ट कंसेप्ट इस वीडियो का हम देख लेते हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी यानी क्या ये ऐसी लाइबिलिटी है जो रियल में लाइबिलिटी नहीं है ये हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है डिड ऑन हैपनिंग और नॉन हैर्टन इवेंट इज कॉल्ड एज कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी जैसे सपोज कोई वर्कर है कोई वर्कर का फैक्ट्री में काम करते हुए उसको कुछ हार्म हो गया फैक्ट्री में अगर उसका सपोज हाथ टूट गया है तो उसने बिजनेस के ऊपर उसने ओनर के ऊपर कंपनी के ऊपर क्या कर दिया है क्लेम कर दिया है अभी तक कोर्ट का निकाल नहीं लगा है उसने क्लेम किया है 5000 का फॉर एग्जांपल ओके तो 5000 का उसने क्लेम किया है पर अभी तक कुछ भी रिजल्ट आया नहीं है तो अगर रिजल्ट आया वो वर्कर के साइड से अगर रिजल्ट लगा तो ये क्या हो गई बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो गई पैसा देना पड़ेगा वर्कर को अगर बिजनेस के साइड से उसका रिजल्ट लग गया है तो ये लायबिलिटी नहीं भी हो सकती है तो उस

बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड भी दिखाई नहीं जाती है बट इट इज शोन बाय द वे ऑफ फुट नोट इन द बैलेंस शीट सिंपली एज अ इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में एज अ इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है बैलेंस शीट के नीचे एक नोट लिखा जाता है फॉर एग्जाम्पल वर्कअ मेक अ क्लेम फॉर कॉम्पेंशन ऑफ रुपीज फाइव थाउजेंड अगेंस्ट द बिजनेस एंड द डिसीजन इज पेंडिंग इन द कोर्ट इट मे बी अ फ्यूचर लाइबिलिटी फॉर बिजनेस अगर रिजल्ट किसके पास से लगता है उसके ऊपर वो लाइबिलिटी डिपेंड रहेगी इसलिए वो बैलेंस शीट के नीचे लिखी जाती है एग्जाम्पल है जैसे गारंटी है फॉर लोन क्लेम अगेंस्ट प्रोडक्ट वॉरेंटी लो लॉ सूट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ओके सो स्टूडेंट वी फिनिश यज सी स्टूडेंट सिंस बोथ एंड लाइबिलिटीज आर वाइटल कॉम्पोनेंट

और ये प्रपोर्शन के ऊपर आगे जाके आपको बहुत से रेशियोज भी सीखना है सो स्टूडेंट यहां पे हमने असेट्स लाइबिलिटीज एंड नेटवर्थ ये कंसेप्ट क्लियर किया है ओके थैंक यू स्टूडेंट्स हैव अ गुड डे